हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूं रफ़ीक अहमद और उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। और इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूं जो चिपचिपा चिमनी है ना, उसका फिल्टर कैसे साफ करें। वैसे तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये कुछ अलग टेक्निक से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए पहले चिमनी की हालत देखते हैं कितना ख़राब हो रहा है, क्योंकि टाइम में नहीं दे पा रहा हूँ, और कैसा बुरा हाल हो गया है वो आप लोगों से पहले शेयर करता हूँ बिना साफ करे। देखिए चिमनी का जो है कुछ हालत ठीक नहीं है, इसके फिल्टर का ये टपक टपक के बिल्कुल हालत खराब है और टाइम दे नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जो है इतनी हालत खराब हो गई है। कोई बाहर भी चले गए थे और ये क्या हालत इतना बुरा आ गया है कि यहाँ से भी जो है वो टपकना शुरू हो गया है। तो इसकी जो है आज पूरी बेहतरीन तरीके से कैसे इस चिपचिपे फिल्टर का जो है क्लीन करें वो आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। पहले इसमें ना ये देखिए पानी पहले मैं बॉयल कर रहा हूँ, इसको ढक देता हूँ ताकि जल्दी से जो है वो पानी बॉयल हो जाए। तो इसको पूरा जो है गर्म करना है, पानी पूरा उबलना है। पहले इसको खोल लें अच्छे से। ओह तेरी तेल तेल बाहर भी टपक रहे हैं, कितना सारा तेल जो है, क्या बुरा हाल, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। हैं तेल जो है वो बाहर आने शुरू हो गए, पता नहीं कैमरे में दिख भी रहा है या नहीं। ये देखिए ये पूरा ऑयल है, और इस बार तो इतना हालत कभी ख़राब नहीं हुआ है मेरी चिमनी के फिल्टर का जितना इस बार ही ख़राब हुआ है। ये पानी पूरा उबल गया है, अब इस पानी को एक दूसरे बर्तन पे डालना है। ये विनेगर डाल रहे हैं अभी। चार चम्मच के करीब जो है वो विनेगर डाल दिया है। ये जो है बेकिंग सोडा, ये बड़े चम्मच दो चम्मच डाल दिया है, और ये थोड़ा सा डाल रहा हूँ कास्टिक सोडा, क्योंकि चिमनी कुछ ज़्यादा ही खराब है। ये कास्टिक सोडा, ये डाल दिया जी। अब ये रिएक्शन भी हो गया, अब इस पानी में सारा डल गया। अब इसको जो है एक बार घोल ले, ब्रश ढूंढा जा रहा है अभी। इसको जरा अच्छे से मिक्स कर लें, पूरा घोल तैयार हो जाएगा और इस तरह से ब्रश चलाएंगे। जितना जो है वो चिपचिपापन है सब जो है वो पानी में घुलना शुरू हो गया। क्योंकि जो कास्टिंग सोडा डाला है ना वो बड़ा ही ख़तरनाक है, वो स्टील को जो चमक जो है ना वो ख़त्म कर देता है चमक को, इसलिए वो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन अभी इस बार जो है वो मजबूरी में मुझे इस्तेमाल करना पड़ा। वो जो है इस्तेमाल करेंगे तो जो इसकी शाइनिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए उसको इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा बेहतर है। जब मजबूर हो जाए कि बहुत ज़्यादा गंदी, इसको होने ही ना दें। इसका
फिल्टर का मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिल्टर का ये है कि हर 1 हफ्ते 10 दिन में जो है वो टाइम निकाल के आप इसको साफ कर दें, तो नॉर्मल जो पहले टेक्निक बता रखा है उसी टेक्निक से जो है वो साफ हो जाएगा और इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी। अगर आप इस्तेमाल ये कास्टिक सोडा का करेंगे तो इसकी शाइनिंग जो है वो चली जाएगी। अभी देख रहे हैं कितनी बेहतर, क्योंकि मैं मेंटेन रखता हूँ इसलिए इतनी शाइनिंग है। अगर यही चीज़ मैं बार बार अगर कास्टिक सोडा से इस्तेमाल करता रहूँ तो इसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल डल डल सी होने लगेगी, पुरानी लगेगा, लोहे का है। अगर शक्ल ना दिखे तो फिर क्या ही साफ होगा, कुछ नहीं साफ होगा। बिल्कुल शक्ल देख सकते हैं आप, अभी नहीं दिखेगा, अभी गीला है, सूखने के बाद शक्ल देख सकते हैं आप। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखें अपना सब ख्याल, बाय।